नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिलिट्री स्कूल के साथ साथ धौलपुर जिले को सुशोभित करेंगे T-55 बैटल टैंक। भारत ने 1965 व 1971 में पाकिस्तान के साथ इन्हीं टैंकों का किया था उपयोग। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर को उपहार में मिले दो युद्ध टैंक न केवल स्कूल की शोभा बढ़ाएंगे बल्कि धौलपुर जिले के मान सम्मान में चार चांद लगाएंगे। जी हां, मिलिट्री स्कूल में यह दिन हर दिन की तरह समान नहीं है बल्कि मान सम्मान का दिन है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के दो T-55 बैटल टैंक उपहार में दिए गए। अभी दोनों टैंकों को स्कूल के रेजिडेंशियल एरिया के मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों टैंकों का औपचारिक समर्पण आने वाले समय में किया जाएगा जहां आर्म्स फोर्सेस के आला अधिकारी स्कूल में पधारेंगे। आपको बता दें कि इन T-55 टैंकों का इतिहास बहुत खास व पुराना रहा है। ये सोवियत काल के समय के वही रूसी टैंक है जिनका उपयोग भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों में किया गया था। प्रत्येक टैंक का वजन लगभग 40 टन है और 105 मिलीमीटर राइफल बंदूकों से सुसज्जित है। यही नहीं, ये टैंक परमाणु, जैविक और रासायनिक NVC हथियारों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपको ज्ञात है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का परिसर पहले से ही एक विजयांता युद्ध टैंक और MiG-21 से सुसज्जित है। अब इन दो बैटल टैंकों के आ जाने से स्कूल और गौरवान्वित हो गया। मिलिट्री स्कूल के प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी ने कहा कि T-55 बैटल टैंक न केवल कैडेटों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। ये टैंक स्कूल के साथ साथ धौलपुर जिले की भी शोभा बढ़ाएंगे और आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कई रोगों को ठीक करने वाले आराध्य देव विशंगिरी बाबा का मेला गुरुवार से। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के उमरेह और नक्सोदा ग्राम पंचायत के बीच स्थित लोक देवता बाबा विशंगिरी का गुरुवार से लक्खी मेला लगने जा रहा है। वैशाख मास में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय मेले को लेकर विशिंगिर सेवा समिति द्वारा तैयारियां पूरी की गई। मेला आयोजन को लेकर ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई कराई है, वहीं पानी बिजली सहित प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। 3 दिवसीय यह लक्खी मेला गुरुवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा जिसका उद्घाटन बाड़ी SDM गिरधर मीणा करेंगे। अध्यक्ष हरि सिंह ने बताया कि वैशाख मास में बाबा विशिंगिर का यह मेला आयोजित होगा जिसको लेकर आज बुधवार को पंच पटेल और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 13 से 15 अप्रैल तक मेला आयोजन पर सहमति बनी है। गुरुवार 13 अप्रैल को मेले का विधिवत शुभारंभ बाड़ी उपखंड अधिकारी गिरधर लाल मीणा करेंगे जिसके विशिष्ट अतिथि बाड़ी सर्कल अधिकारी मनीष कुमार शर्मा और सदर SHO हीरालाल होंगे। विशिंगिर बाबा मेला ट्रस्ट के पदाधिकारी चिंगा बाबा ने बताया कि लक्खी मेले में 14 अप्रैल शुक्रवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इस दंगल में कई प्रदेश के नामी गिरामी भाग लेंगे। इसमें विजेता पहलवानों को मंदिर ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया जाएगा। त्वचा रोगों के है आराध्य देव विशिंगिरी बाबा। धौलपुर जिले के लोक देवता बाबा विशिंगिर का आश्रम बाड़ी उपखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर है जिसके लिए 3 रास्ते हैं। बाड़ी से उमरेह होकर रामसागर बांध पर होकर और गडरपुरा होकर सनमथरा रोड से तीनों रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए चालू रखा गया है। लोक देवता बाबा विशिंगिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इनको त्वचा रोगों का आराध्य देव माना जाता है। कैंसर जैसे रोग यहां से ठीक होकर जाते हैं, ऐसे में लगातार श्रद्धा बढ़ रही है और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की ढोग लगाने आते हैं।
तसीमों के अमर शहीदों को नमन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात। विवेक सिंह बहरा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवियों ने कविता पाठ से शहीदों को किया नमन। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो सैपो व ग्राम पंचायत तबसीमो के संयुक्त तत्वाधान में उद्घाटन की शाम को हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अतिथि के रूप में युवा नेता विवेक सिंह बोहरा, पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, सैपो के उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल, पार्वती देवी, सरपंच नीलम परमार, निरुत्तम सिंह परमार, अनुराग मुद्गल, भानु शर्मा, हरवीर शर्मा, प्रिंस हुंडावाल आदि रहे। अतिथियों को मेला कमेटी अध्यक्ष हरेंद्र सिंह परमार, उपाध्यक्ष रामनिवास शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह कुशवाहा, सचिव लोकेंद्र सिंह कंडोरा, व्यवस्थापक बंटी परमार, सोनू वाल्मीकि, रामवीर कुशवाहा आदि ने अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कवि सम्मेलन राजवीर सिंह क्रांति ने संयोजन में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की गयी। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथि व सभी कवि सहित स्मारक पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया और अमर शहीदों के जयकारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विवेक सिंह बोहरा ने कहा कि तसीमों के अमर शहीदों को नमन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेला कमेटी ने मुझे बुलाया, उसके लिए सभी का आभार एवं धन्यवाद। इस मौके पर सभी अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सैकड़ों श्रोता गण मौजूद रहे। वहीं मेला कमेटी द्वारा सभी अतिथियों व कवियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं आज 12 अप्रैल को शाम 9 बजे भोला गुर्जर उर्फ बाबू गप्पी का कॉमेडी कार्यक्रम आयोजित होगा। शहीद छतर सिंह व पंचम सिंह जी की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन बहुत ही शानदार रहा। न केवल कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति से कार्यक्रम को बुलंदियां प्रदान की, बल्कि श्रोताओं की ऊर्जामयी उपस्थिति ने भी कार्यक्रम को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। सीखने सिखाने का ये क्रम चलता रहे, वक्रम कुछ अनुपम खास होना चाहिए। लिपट तिरंगा आऊंगा, बहुत अच्छे के बतलाता हूँ, भारत माँ के बेटे क्या कर सकते हैं। हाँ। बतलाता हूँ, जो भारती की जय ना बोले उन्हें टोक देते हैं, और टोकने के बाद भी जो कुछ। गृह मंत्री अमित शाह 15 अप्रैल को भरतपुर में करेंगे चुनावी संकुबनाद। भाजपा के जिला कार्यालय धौलपुर पर शहर मंडल और कोठी मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह के 15 अप्रैल 2023 को भरतपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। शाह भरतपुर में बूथ संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बैठक का आयोजन संभाग में होने वाले कार्यक्रम के संयोजक विशंबर दयाल शर्मा एवं सह संयोजक हरिनिवास प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विशंबर दयाल शर्मा ने बताया कि भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली, भरतपुर और सवाईमाधोपुर। इस संभाग में एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भारत की राजनीति के चाणक्य एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और राजस्थान के पूर्वी द्वार से चुनावी शंखनाद होगा। कार्यक्रम के सह संयोजक हरिनिवास प्रधान ने कहा कि गृह मंत्री के आगमन से संभाग में चुनावी हलचल बहुत तेज हो जाएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, महामंत्री सत्येंद्र पारासर, आईटी प्रभारी हरिंद्र राव, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा उमा सिंह, रितेश सक्सेना, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, मंडल अध्यक्ष कोटी विशाल सिंगल, हेम सिंह भगेला आदि मौजूद रहे। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहां सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता SP निवास व गुलाब बाग के बीच में जीटी रोड धौलपुर। शिक्षा
शहीद छतर सिंह पंचम सिंह की 76वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल मेले में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो व ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन 11 अप्रैल 2023 से तसीमो में बूचा बोहरे के बाग पर आयोजित किया जा रहा है। मेले में पधारकर 25 तरह के छोटे बड़े झूले, विभिन्न प्रकार की चाट आदि का आनंद ले। वहीं मेले में प्रतिदिन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रशिक्षण को दिखाएं और जीते इनाम। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को 8 बजे से आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन, भोला गुर्जर की कॉमेडी, जिकड़ी भजन, जादू शो आदि का आनंद ले। ग्राम पंचायत तसीमो आप सभी को मेले में सादर आमंत्रित करती है और स्वागत करती है। साथ ही विनम्र आग्रह करती है कि आप परिवार के साथ मेले में जरूर पधारें। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा से शमशाबाद आगरा मार्ग पर सिकरौदा मोड़ से आगे बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की कुचलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। सहायक पुलिस उप निरीक्षक दीन दयाल ने बताया कि मंगलवार को राजाखेड़ा शमशाबाद आगरा मार्ग पर सीमा के पास एक युवक ओमकार पुत्र प्रेम सिंह उम्र 35 साल निवासी नगरिया थाना डोकी जिला आगरा राजाखेड़ा के ईंट भट्टों पर मजदूरी करने आता था। मंगलवार को भी वह यहां आया जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे अपनी चपेट में लेकर कुचल दिया जिसे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है जबकि चालक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित फरार हो गया। वहीं घटना को लेकर मृतक के पिता प्रेम सिंह ने ट्रैक्टर चालक और परिचालक को नामजद करते हुए तहरीर दी है कि उसका पुत्र मजदूरी करने आया जहां उसे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला परिषद सीईओ का किया स्वागत। धौलपुर जिले में 91 नवचयनित ग्राम विकास अधिकारियों की पंचायत समिति में पदस्थापन की सूची जारी करने पर जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर का स्वागत किया गया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रीभान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में जिला परिषद सीईओ सुदर्शन सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट कर गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। संघ के जिला अध्यक्ष श्रीभान गुर्जर ने कहा कि नव चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को अभी स्वतंत्र प्रभार ग्राम पंचायतों को नहीं दिया जाएगा, उन्हें अभी प्रशिक्षण के लिए अटैच में लगाया जाएगा। प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि नव चयनित ग्राम विकास अधिकारियों के पदस्थापन होने से आमजन के कार्यों को अब गति मिलेगी। सभी ने मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री का आभार प्रकट किया क्योंकि यह पद जनता से जुड़े होने के कारण लोक कल्याणकारी योजना का सफलतापूर्वक निष्पादन करने में योजक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रामगोपाल जाट, ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर परिमाल गुर्जर, ब्लॉक मंत्री हरेंद्र त्यागी, लोकेंद्र चौधरी, जितेंद्र सिंह चाहर, कुलदीप दीक्षित, जगदीश शर्मा, नवीन मित्तल आदि मौजूद रहे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की बैठक का आयोजन परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में हुआ। बैठक की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने की जिसमें आगामी 22 अप्रैल को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर चर्चा परिचर्चा की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज बड़ी धूमधाम से मनाएगा।
जिसमें विधि विधान से हवन पूजन भी किया जाएगा। और साथ ही बताया कि चिरंजीवी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर हवन पूजन पति पत्नी के जोड़ों के साथ किया जाएगा, जिसके लिए समाज के सभी वरिष्ठ एवं युवा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। बैठक में उत्तम दीक्षित, कैलाश चिहार, मधुसूदन शर्मा, दिलीप पारासर, गौरीशंकर उपाध्याय, मिश्रीलाल सेंथिया, प्रदीप उपाध्याय, रामवतार पचौरी, श्रीकांत मुदगल, मोहन उदेनिया, आशीष शर्मा, नटवर अवधेश, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विधायक मलिंगा को दिया ज्ञापन। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार 10 अप्रैल से कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार की रात 9 बजे वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से उनके कार्यालय पर मुलाकात की, जिसमें ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मांगों और लिखित समझौते को लागू कराने के लिए सिफारिश करने की मांग की। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों के शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा और जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी ने बताया कि कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से सामूहिक उपवास और विरोध प्रदर्शन पर है। कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 18 महीने पहले 14 सितंबर 2021 को जो लिखित समझौता हुआ था उसे लागू कराया जाए, जिसको लेकर कर्मचारी कई बार मंत्रियों और अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। पिछले फरवरी माह में बजट से पूर्व भी कर्मचारियों द्वारा जयपुर में ध्यान आकर्षण रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें भी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष महेश अवस्थी ने बताया कि कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर है, ऐसे में विभिन्न कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की मजबूरी है कि अब सिवाय आंदोलन के कोई दूसरा चारा नहीं है। विधायक ने सभी मंत्रालय कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे जयपुर जाते ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनकी मांगों को लेकर जो भी कार्यवाही होगी कराने का प्रयास करेंगे। इस दौरान भगवान सिंह कुशवाहा, व्रजनंदन शर्मा, राजीव मुदगल, रमाकांत प्रजापति सहित तमाम कार्मिक मौजूद रहे। हमने राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज हमने 11 सूत्री मांग पत्र माननीय विधायक श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी को सौंपा है, जिसमें जो मंत्रालय कर्मचारियों की जो लंबित मांग है 11 सूत्री उनके बारे में अनुरोध किया गया है कि आप सरकार से हमारी पैरवी करें और पूरी तरीके से उठाए। ईद मुबारक। ईद के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी सेल, जहाँ मिलेगा आपको शोरूम कंडीशन का माल, जिसमें जेंट्स की जीन्स, ट्राउजर, फीमेल पैंट, शर्ट, हाफ शर्ट, टी शर्ट, लोअर, पार्टी वेयर, कुर्ता पजामा, ब्रांडेड जूते, चप्पल आदि उपलब्ध, बच्चों के जूते चप्पल भी उपलब्ध। प्रत्येक माल पर प्रिंट रेट से 40% छूट। पता टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, रतन डिपार्टमेंटल स्टोर के नीचे, हलवाई खाना, कोठी, धौलपुर। ईद मुबारक। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्रीराम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास दूकापुरा वाला कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोप्राइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सरमंत्रा उपखंड में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए SDM मनीष कुमार जाटव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
कनिष्ठ लिपिक विनय गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से स्टेट पैरिटी के आधार पर सचिवालय के समान वेतन भत्ते ग्रेड पे 3600, शेड्यूल 5 में हुई कटौती को वापस करना, दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 कंप्यूटर भत्ता प्रदान करना, पंचायती राज विभाग में जिला स्थानांतरण नीति को खोलना, पदोन्नति में एक बार यह पूर्ण शिथिलन प्रदान करना, संस्थापन अधिकारी के पश्चात वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का नया पद स्वीकृत करना जो कि अन्य संवर्ग में भी विद्यमान है और मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। सामूहिक अवकाश पर रहते हुए कर्मचारियों ने कहा कि मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर 17 अप्रैल को जिले के सभी मंत्रालय कर्मचारी जयपुर के महापड़ाव में सम्मिलित होंगे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने की प्रेस वार्ता, बोले धौलपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं। अपने निजी दौरे पर धौलपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बीएचपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी के निज निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विनोद बंसल ने कहा कि पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि हिंदू समाज अपने धार्मिक आयोजनों पर लगातार शिकार होता आ रहा है, जबकि हिंदू समाज में पुरातन समय से ही उत्सव मनाने की परंपरा रही है। सभी आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, फिर भी पहले से शासन और प्रशासन इन आयोजनों को रोकने का प्रयास करता है। रामनवमी के अवसर पर बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई घटना की निंदा की, कहा कि अब सरकारों को भी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी पड़ेगी और अपराध करने वालों को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना बंद करना होगा। धौलपुर पर्यटन को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावना है, जरूरत है तो धौलपुर के नाम को देश विदेश में प्रचार प्रसार का। इसके साथ ही धौलपुर के लोगों द्वारा चलाया गया कृष्णा सर्किट में जुड़वाने का अभियान वास्तव में एक सार्थक अभियान है। हम सभी को और बिंदुओं को जोड़कर प्रयास करने चाहिए जिससे धौलपुर को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान मिल सके। कृष्णा सर्किट की बात कही यहाँ के लोग उठा रहे हैं। मचकुंड महाराज का जो पवित्र स्थल है उसको एक तीर्थ नगरी के रूप में विकास होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। साथ ही साथ राजस्थान का ये पूर्वी जिला जिसको सीमांत जिला भी कह सकते हैं, अपनी खनिज संपदाओं के लिए, प्राकृतिक संपदाओं के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन दुनिया के अंदर जाना कम जाता है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ सरमथरा शाखा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने सहित शिक्षक संवर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं के निराकरण की मांगे शामिल है। सरमथरा इकाई के सभा अध्यक्ष महावीर सिंह पेलावत व ब्लॉक अध्यक्ष संतराम मीणा ने बताया कि सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रबोधक संवर्ग के स्थानांतरण तबादला नीति बनाने और उसे लागू करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। यही नहीं, TSP एवं प्रतिबंधित जिलों में एक दशक में पदस्थापित शिक्षक भी अपने गृह जिलों में जाने की उम्मीद लंबे समय से राज्य सरकार से लगाए बैठे है, लेकिन उन्हें भी केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के इस दोहरे रवैये के कारण शिक्षक संवर्ग के सबसे बड़े कैडर में सरकार के प्रति आक्रोश है। संघ के प्रवक्ता राजू सेन ने कहा कि उप प्रधानाचार्य के पदों के लिए लागू सेवा नियमों में संशोधन कर 50% सीधी भर्ती व 50% पदोन्नति के प्रावधान लागू कराए जाएं। शिक्षक संवर्गों की पिछले सत्रों की बकाया DPC एक साथ कराकर राहत दिलाई जाए।
उपराचार्य का जो पद सृजित किया है उसमें सीधी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में एचएम के पद पे भी जो एक्सपीरियंस जो लोग थे थर्ड ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, वो सभी डायरेक्टली एक अच्छी जगह पे पहुंचने का उनका जो सपना था वो एचएम के पद को समाप्त करके खत्म हो गया। तो इस पर भी सरकार से निवेदन है कि एचएम के 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग हमारी है, उस पर जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले सके। जन्म से मृत्यु तक के कार्यक्रमों में वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका, सुखराम कोहली। वाल्मीकि बस्तियों में जाकर सफाई कर्मचारियों का किया सम्मान। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में भाजपा मंडल द्वारा बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र की बैठक केला देवी मंदिर पर हुई, जिसमें 15 अप्रैल को भरतपुर संभाग में होने वाले बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत सभी कार्यकर्ताओं द्वारा वाल्मीकि बस्ती में जाकर सफाई कर्मियों को भाजपा पार्टी का दुपट्टा पहना के उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि हमारे समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका रहती है। सफाई कर्मियों द्वारा सृष्टि की सुंदरता को बनाए रखने का काम किया जाता है। विधानसभा विस्तारक गजेंद्र सिंह ने बताया कि बनारस महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सफाई कर्मियों के चरण धोकर शुरुआत की गई थी। वे हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा पुंज है। मंडल महामंत्री संजय पारसर द्वारा सभी सफाई कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, महामंत्री संजय पारसर, सिरमौर कुशवाहा, गीतराम यादव, बंटी यादव, शिवम शर्मा, मानसिंह चौहान, मयंक अवधेश, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, सोनू शर्मा, चंद्रशेखर मौर्य आदि मौजूद रहे। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार 500 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की महिला थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्यवाही करते हुए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 साल से फरार चल रहे 500 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि 5 दिसंबर 2017 के एक प्रकरण में भगतपुरा वसेडांग निवासी 66 वर्षीय मुरारी पुत्र हुकुम सिंह गुर्जर को धौलपुर शहर से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर की एक महिला ने 5 दिसंबर 2017 को थाने में एक तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी को 6-7 लोग बहला फुसला कर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी ने बताया कि उसी प्रकरण में बदमाश मुरारी के अन्य साथियों की तलाश जारी है, जो सभी बसेडांग थाना क्षेत्र के है। पांचवी की बोर्ड परीक्षा गुरुवार से होगी शुरू। पंजीयन विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ऐसे में 13 अप्रैल गुरुवार से पांचवी बोर्ड परीक्षा का आयोजन धौलपुर जिले में होने जा रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सुबह 8:30 बजे से पांचवी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पहला पेपर गुरुवार को कराया जाएगा।
बाड़ी शहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को सेंटर बनाया गया है। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर पांचवी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यह परीक्षा धौलपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा कराई जा रही है, जिसके लिए उपखंड मुख्यालय पर CVEO को जिम्मेदारी सौंपी है। धौलपुर डाइट के प्राचार्य महेश मंगल ने बताया कि पूरे जिले भर में परीक्षा को लेकर 5 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। बाड़ी ब्लॉक में परीक्षा का आयोजन ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा के नेतृत्व में होगा। परीक्षा के सभी विषयों के पेपर शहर के कोतवाली थाने के सदर थाना सोनिका गुर्जा बसई डांग के साथ कंचनपुर थाने पर रखवाए गए हैं। बाड़ी शहर के किला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हरिओम सिकरवार ने बताया कि उनके विद्यालय में परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। यहां निजी और सरकारी स्कूलों के 1001 विद्यार्थियों का सेंटर रखा गया है। यह विद्यार्थी बहुत कम उम्र के हैं और छोटे होने के साथ पहली बार बोर्ड परीक्षा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की है। सभी वीक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र के कुल 36 सेंटरों पर सुबह 8:30 बजे से अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी, जिसमें 6,947 विद्यार्थी भाग लेंगे। ऐसे में परीक्षा आयोजन को लेकर सारी तैयारियां की है और विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे तक सेंटरों पर बुलाया गया है। हाँ सर, बताएं, पांचवी बोर्ड परीक्षाएं कब स्टार्ट हो रही है, इसको लेकर क्या तैयारी है? उसको लेकर के हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर 1001 बच्चों का सेंटर है। छोटे बच्चे हैं, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, इस प्रकार से उनको छाया की, पानी की, विद्युत की पूरी व्यवस्था हमने करने के लिए तैयार है। बच्चे मुक्त वातावरण में हमारे यहाँ परीक्षा। हलवाई की दुकान और बैंक में लगी आग, मचा हड़कंप। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में दो अलग अलग जगह आग की घटनाएं सामने आई है, जिसमें पहली घटना थाने के पास पुरानी सब्जी की है, जहां हलवाई की दुकान में नाश्ता बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर की नली निकल गई और आग लग गई। दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद दूसरे दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर मौके पर गाड़ी बुलाई, जिसके बाद स्थानीय दुकानदार की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार करण सिंह ने बताया कि दुकान में पकौड़ी बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर की नली निकल गई थी, जिसमें आग से खाने पीने का हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दूसरी घटना हरदेव नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है, जहां मीटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। छोटे छोटे विस्फोटों के साथ मीटर में लगी आग के बाद बैंक का सायरन बज गया। मीटर में आग लगने के साथ ही विद्युत की केवल मीटर से अलग हो गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दोनों ही घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि दोनों आग की घटना को लेकर जांच की जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ी नुमा घर में लगी आग, नकदी सहित घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। बसेड़ी तहसील के नदनपुर गांव में मंगलवार की दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे झोपड़ी में रखी नकदी, सोने चांदी के जेवरात, LCD टीवी, फ्रिज व करीब 5 बोरी गेहूं, सरसों सहित घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। नादनपुर निवासी पीड़ित गोपाल पुत्र जीवनलाल कश्यप किसी काम से सरमथरा गया हुआ था। उसके परिजन घर के बाहर थे, तभी शॉर्ट सर्किट से अचानक झोपड़ी जलने लगी। झोपड़ी से आग निकलती देख आसपास के लोगों समेत परिवारी जन दौड़े, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना पर नादनपुर पुलिस और ग्राम पंचायत के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा हल्का पटवारी को घटना की सूचना दे दी गई है। आग से हुए नुकसान को लेकर पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। घर पर था नहीं था, मैं सरमतरा गया,
और लौट के आयो, आग लगी लाइट तो उल्टे गए, 1,00,000 नकदी और एक स्विच प्लेट फ्रीज और चीज वत सब घर के राखे ही था। आज दोपहर करीब 4 बजे की घटना है हमारे गांव नादनपुर के गोपाल संयोग जीवन, उसके घर में लाइट के तार के द्वारा आग लग गई है। करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, अनाज जल गया, उसका सारा सामान जल गया। हमें आधा घंटा पहले सूचना मिली कि नादनपुर में गोपाल कश्यप के मकान में आग लग गई है। तो सूचना पर मैं जाप्ते के पहुंचा तो उसके छप्पर पोस में आग लग रही थी, जिसको ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन, अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉइड टीवी भी आसान किस्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, थौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। राजाखेड़ा में बैंक कार्मिकों ने मनाया पंजाब बैंक का स्थापना दिवस। राजाखेड़ा में पंजाब बैंक का 129वां बैंक स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सैंथिया, विशिष्ट अतिथि पंकज जैन व राम अवतार शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बैंक मैनेजर सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बैंक की स्थापना सन 1895 में हुई थी। हमने पंजाब बैंक का 129वां स्थापना दिवस मनाया है। पंजाब बैंक ग्राहकों को बैंक से संबंधित सभी कार्यों को करने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम में अमित कुमार, शिव सिंह वांकुरे, बैंक ग्राहक एवं अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति की बैठक आयोजित। अंबेडकर जयंती को लेकर हुई चर्चा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति की बैठक बसेड़ी के नयावास मोहल्ले में अध्यक्ष रामजीलाल कौशल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती 14 अप्रैल को नयावास मोहल्ले में एक बैठक के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मनाए जाने का निर्णय हुआ। अंबेडकर विकास समिति बसेड़ी की 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती को लेकर के मीटिंग हुई, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक जयंती मनाई जाएगी। माँ भगवती के रात्रि जागरण में गूंजे जयकारे। कृष्ण पक्ष पंचमी के अवसर पर पुराना शहर टाउन चौकी धौलपुर के सामने स्थित विजयसेन माता के मंदिर पर जात लगाई गई। विजयसेन सेवा समिति की ओर से सुबह 8 बजे माता रानी का जल अभिषेक कर माता रानी के विशेष श्रृंगार मंदिर महंत पवन शर्मा के द्वारा किया गया। मंदिर में शाम को फूल बंगला झांकी सजाई गई और जागरण समिति के द्वारा माता रानी के भजन कीर्तन गाए गए, जिसमें मां केला देवी म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी ने गणेश वंदना के साथ मां भगवती के जागरण की शुरुआत की।
गायकार राकेश गढ़वाल ने भजनों से सबका मन मोह लिया और भक्तजन माता रानी के जयकारे लगाते रहे। माता रानी की महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीडी संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वनवारी शर्मा, प्रमोद सिंगल, अमित सक्सेना, अजय वंसल, मोनू भट्ट, अशोक कुमार, पवन शर्मा, मोनू प्रजापति, सुमित सक्सेना आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद संगठन द्वारा किया गया सुंदरकांड का पाठ। बाड़ी के मोहल्ला हौद गली नंबर 5 में राम भक्त प्रदीप अग्रवाल वरौली वालों सहित अन्य भक्तों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया, जिसमें अनुज शर्मा ने मधुर स्वर में गणेश वंदना एवं भजन गाकर सुंदरकांड पाठ शुरू किया, जिसमें योगेंद्र शिवहरि ने भी सुंदरकांड पाठ में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। साथ में गिरीश वैद्य, महेश भटेले, महावीर विधोलिया, रवि पचौरी, किशोरी शरण भटेले ने पाठ में सहयोग किया। बाद में सभी सनातन धर्म प्रेमियों ने भोजन प्रसादी पाई। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रभु श्री राम एवं बजरंगबली महाराज समस्त सनातन धर्म प्रेमियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और जीवन में उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।